हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग गाइस। तो अभी हम लोग हैं गोल्डन टेंपल के पास और यहाँ पे हम लोगों ने एक होटल बुक किया है। तो देख सकते हो ये जो है ये होटल है इधर, ठीक है। तो यहाँ का जो कमरा है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब हमें बजट में अच्छा सा कमरा मिल गया, ये देख लो आप। और मतलब बहुत सारा फैसिलिटी यहाँ पे सारा ही है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी हम लोग जो है जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, तो बने रहना वीडियो में और पूरा वहाँ का जो है नजारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी बज रहे करीब 9:30 के करीब बज रहा है, ठीक है। और आप लोगों ने जैसा कि देखा कि हमने वो वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था, पूरा कम्प्लीट ब्लॉग बनाया है मैंने अपना प्रोजेक्ट एग्जीबिशन वाला, जो कि हमारा हैकाथन था। पूरा हम लोग गए थे स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे हैकाथन हुआ था भारत टेक का। और अभी फिर हम लोगों ने सोचा चलो इधर भी थोड़ा सा टूर कर ही लिया जाए, तो हम लोग आ गए गोल्डन टेम्पल इधर घूमने के लिए। और हम इधर से जहाँ भी आसपास कोई अच्छा सा जगह होगा उधर भी जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसी तरीके से ब्लॉग में बने रहो और दिखाते आपको क्या नजारा रहने वाला है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे यार अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग 10 बंदे थे, तो बहुत ही मतलब कम रेट में मिल गया, मतलब समझो 1300 रुपये में कल शाम तक, मतलब शाम तक का है, ठीक है। यानी कि लगभग 18 घंटे के लिए 1300 रुपये में मिल गया है, ठीक है। कोई ज्यादा प्राइस नहीं है 10 बंदों के लिए, मान के लो 130 रुपये पर बंदे, तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग भी कभी आते हो तो यहाँ पे थोड़ा मतलब वो उनको रेट कम करवा सकते हो, जितना करवा लो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा शुरू में बोलते तो ज्यादा है, बट हम लोग इसे कम करवा सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे मिलते हैं कि वहाँ गोल्डन टेम्पल में कि क्या होता है। गाइस अभी हम लोग आए लोटस टेम्पल, सॉरी गोल्डन टेम्पल, भूल गया कोई बात नहीं। अभी लोग आए गोल्डन टेम्पल, तो अभी आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे और रात का, रात में यहाँ पे स्काई शॉट होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे अभी। तो अभी पॉज करते हैं गाइस। तो ये देख सकते हो ये है गोल्डन टेम्पल और चारों तरफ में रिवर ही रिवर है, देख सकते हो। तो हम फाइनली हम लोग जो है गोल्डन टेंपल को घूम करके आ गए हैं और आप लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा क्राउड था यार वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, ठीक है। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और अब हमारा नेक्स्ट ट्रिप जो होने वाला है वो है जलियांवाला बाग का। तो आप लोगों ने देखा ही है कि भाई साहब मैंने फ़ोटो वोटो भी लगा दिया वीडियो में कि वो सब आप लोग देख सको कि वहाँ पर कितना ज़्यादा ऑसम प्लेस था भाई साहब, मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्त था, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है जा रहे हैं, अब हमारा नेक्स्ट ट्रिप जो है वो है यहीं पे है, कुछ दूरी पे, यानी कि लगभग 1 और 1.5 किलोमीटर के समथिंग दूरी पे है जलियांवाला बाग वहाँ पे। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो इसी पे आएगा, तो चलो बने रहना वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।